तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉररलैंड। तो आज मैं आपके लिए फिर से द हैंडमेड टेल्स का पांचवा और छठा एपिसोड लेकर आया हूं। तो अगर आप हैंडमेड टेल्स की पूरी सीरीज को देखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में बाकी के पहले दो वीडियोस के लिंक्स आपको मिल जाएंगे। और हाँ, आप हमारे इस सीरीज में बने रहिएगा क्योंकि मैं बाकी के एपिसोड भी जल्दी लेकर आऊंगा। तो क्या हो जब किसी औरत को बेबी पैदा करने के लिए किसी मर्द के साथ सोने के लिए मजबूर किया जाए, उसे कैसा महसूस होगा? पावरफुल लोगों की आवाज के नीचे दबकर क्या वो ये सारे काम कर लेगी? वो कभी किसी से बिना डर के मदद मांग पाएगी? यही हमें आज की इस कहानी में पता चलेगा। वार्निंग, वेलकम टू हॉररलैंड। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। एपिसोड 5 में जहाँ पर जून फ्रेड के साथ में बोर्ड गेम्स खेल रही थी तो दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी और कभी कभी फ्रेड जानबूझकर जून को जीतने देता था। फ्रेड को भी जून के साथ में फ्लर्ट करना अच्छा लगता था और फ्रेड जून को एक मैगजीन ऑफर करता है। पहले जून लगातार मैगजीन पढ़ा करती थी पर अब हैंडमेड्स को कोई भी फैशन मैगजीन अलाउड नहीं थी, लेकिन फिर भी फ्रेड के जोर देने पर जून वो मैगजीन रख लेती है और जून को ऐसा लग रहा था कि फ्रेड उसे अब पसंद करने लगा है और इसीलिए वो छोटे मोटे गिफ्ट्स उसे दिया करता है। कहानी फिर से पास्ट की तरफ आती है जहाँ पर जून और मोरिया कहीं पर घूमने आए थे और वे लोग बातें कर रहे थे। उन्हीं बातों में वे लोग जून के पति जॉन को भी शामिल कर लेते हैं और ये जून और जॉन की पहली मुलाकात थी। अब पहली मुलाकात में जून और जॉन एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, लेकिन तब जॉन पहले से ही शादीशुदा था। कहानी फिर से प्रेजेंट टाइम में आती है जहाँ पर जून निक को देखकर भी उसकी फीलिंग्स के बारे में सोच रही थी। निक भी उसे आजकल छुप छुप कर देखा करता था और तभी जून को सेरेना कुछ काम के लिए बाहर बुलाती है। जब सेरेना और जून अकेले में गार्डन में काम कर रहे थे तब सेरेना जून को एक अजीब बात बोलती है कि उसका पति शायद बेबी के लिए अब वो ट्राई नहीं कर पाएगा। तो जून निक के साथ में इंटीमेट होकर उसको एक बेबी दे दे। हैंडमेड्स को मास्टर के अलावा किसी और के साथ में इंटीमेट होने की परमिशन नहीं थी और ये कंट्री में एक जुर्म था, लेकिन इसी जुर्म से सेरेना को एक बेबी मिल जाएगा और फ्रेड को भी समाज के सामने शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। जून को हक नहीं था किसी चीज के लिए मना करने का तो उसे इस बात के लिए एग्री करना पड़ता है। जून फिर भी अपनी हैंडमेड पार्टनर जीना के साथ में शॉपिंग करने आती है जहाँ पर उसे ग्लेनोवा दिखाई देती है और उसके पास जाती है बात करने के लिए। जून उसके हालचाल पूछती है और वो उससे निक के बारे में भी पूछती है कि क्या वो अथॉरिटीज को खबर पहुंचाने वाला चुगलखोर हो सकता है और निक के क्या कुछ ऐसा राज है जो कि वो सबसे छुपाता है। पर जो कुछ भी ग्लेनोवा के साथ में हुआ था उसके बाद में वो कुछ भी उसको नहीं बताना चाहती थी। ग्लेनोवा और कुछ बता पाती उससे पहले जीना जून को वहाँ से लेकर जाती है और रास्ते में जीना जून को समझा देती है कि वो कभी भी ग्लेनोवा से बात करने की कोशिश नहीं करें, इससे वे लोग मुसीबत में पड़ सकते हैं। ग्लेनोवा के ऊपर वैसे भी कई लोग नजर रखे हुए थे और घर आने के बाद में सेरेना छुपते छुपते जून को लेकर निक के रूम में जाती है और जून और निक को इंटीमेट होने का ऑर्डर देती है। अब इंटीमेट होते टाइम जून को खुद पर ही घिन आने लगी थी और ताकतवर लोगों के नीचे दबकर उसे किसी के साथ बार बार इंटीमेट होना पड़ता था। निक के रूम के एक छोटे से फोटो से जून को पता लगता है कि निक एक गे है और कुछ ही मिनटों में निक इंटीमेट होकर थक जाता है। सीन कट होता है और कहानी फिर से पास्ट की तरफ आती है जहाँ पर जून और जॉन पहली बार एक डेट पर जाते हैं। दोनों के बीच में बहुत अच्छी बातचीत होती है और दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन को महसूस करते हैं। तो जून जॉन को अपने घर पर लेकर जाती है और वहाँ पर दोनों एक दूसरे के साथ में इंटीमेट होते हैं। जॉन पहले से ही शादीशुदा था लेकिन अब वो जून से प्यार करता था तो इसीलिए वो अपनी पहली वाइफ को छोड़ने वाला था। अब इस तरफ ग्लेनोवा अपने सदमे से बाहर नहीं आ पा रही थी। जिस तरह उसी के सामने उसके प्यार को फांसी दी गई थी और उसके शरीर के साथ में जो खिलवाड़ किया गया था वो सब कभी नहीं भूल पा रही थी। जहाँ पर ग्लेनोवा हैंडमेड का काम करती थी वहाँ की मालकिन मेलिसा सेक्स सेरेमनी के दिन तबीयत खराब होने का बहाना बनाती है और असल बात तो ये थी कि वो अपने पति को किसी और के साथ में बांट नहीं पा रही थी और ये बात ग्लेनोवा भी समझती थी। फिर उसी रात को सेक्स सेरेमनी पर जून को इस बार फ्रेड के साथ में इंटीमेट होना पड़ता है, लेकिन इंटीमेट होते टाइम फ्रेड जून को कुछ अलग तरीके से छूता है जिस वजह से जून को बहुत अजीब महसूस होता है। सेरेना उस टाइम उनकी तरफ देख भी नहीं रही थी, वो कैसे अपने पति को बेबी के लिए किसी और के साथ में इंटीमेट होता हुआ देखें। जून सेरेमनी के बाद अकेली फ्रेड के साथ में इस बारे में बात करने जाती है कि अगर आज किसी कारण से सेरेना फ्रेड की हरकतों को देख लेती है तो फ्रेड के लिए तो कुछ नहीं बिगड़ता है लेकिन जून की जान खतरे में पड़ जाती। लेकिन फिर भी वो जून से ऐसा नहीं करने के लिए उसे प्रॉमिस करता है और जून को एक मैगजीन गिफ्ट करता है।
जून फ्रेड को बोलती है कि उसके जैसी हैंडमेड्स प्यार पाने के लिए भी जिंदा रहती है, लेकिन फ्रेड यहाँ पर कहता है कि हैंडमेड्स का काम सिर्फ बच्चे पैदा करना है और उनके साथ प्यार का कोई भी लेना देना नहीं है और वे सब प्यार के लिए नहीं बल्कि लस्ट के लिए जीती हैं। फ्रेड के मुंह से उनके लिए ऐसी बात सुनकर जून को बहुत बुरा लगता है और उसने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि फ्रेड की सोच दूसरों की तरह ही होगी। अब हम देखते हैं कि जून की हेल्थ खराब होती जाती है और वो किचन में जाकर उल्टियाँ करने लगती है। तभी उसके पास में निक आता है और निक उससे माफ़ी मांगता है क्योंकि वो सेरेना की किसी भी बात को मना नहीं कर सकता था और इसीलिए मजबूरी में ही सही निक को जून के साथ में इंटीमेट होना पड़ा था। जून यहाँ पर इस बात से गुस्सा थी कि निक ने अपने गे होने की बात उससे छुपाई और गे और लेस्बियन होने की वजह से ग्लिनोवा को तो सजा मिल रही थी जिसकी बात अथॉरिटीज को निक ने बताई थी और वो अब खुद गे होकर ये बात छुपा रहा है जबकि उसको तो उसके जैसे लोगों की प्रॉब्लम समझनी चाहिए। निक जून से मना करता है ये सब बात बार बार बोलने के लिए और सीन यहाँ पर कट होता है। अब अगले सीन में जून जीना के साथ में मार्केट जाती है जहाँ पर उसे ग्लिनोवा मिलती है जिससे जून बातें करने जाती है। ग्लिनोवा उसे बताती है कि जून अगर चाहे तो सारे हैंडमेड्स की मदद कर सकती है और वो कुछ बता पाती उससे पहले जीना उसे ग्लिनोवा से दूर लेकर चली जाती है। फिर उसी टाइम ग्लिनोवा गुस्से में अमीर लोगों की एक कार में बैठकर उनकी कार को यहाँ वहाँ चलाने लगती है जिससे कि आर्मी गन लेकर उसे कंट्रोल करने की कोशिश भी करते हैं लेकिन ग्लिनोवा नहीं रुकती है और इसी दौरान वो एक आर्मी के ऊपर कार चलाकर ले जाती है और वो आर्मी मैन बुरी तरीके से कार के नीचे कुचला जाता है। सभी हैंडमेड्स ग्लिनोवा की इस हिम्मत को देखकर बहुत शॉक्ड थे लेकिन अब ग्लिनोवा को आर्मी ने पकड़ लिया था और अब उसके साथ में क्या भयानक सजा होगी ये हमें आगे ही पता चलेगा। अब घर आने के बाद में रात को जून निक के रूम में जाती है और वहाँ पर वे दोनों इंटीमेट होते हैं और इस बार दोनों ही ऑकवर्ड फील नहीं कर रहे थे क्योंकि इस बार के इंटीमेसी में जून को बहुत खुशी मिल रही थी जो उसे इतने दिनों से कहीं नहीं मिली थी। और यहीं पे इस सीरीज का 5वां एपिसोड खत्म हो जाता है और यहाँ से शुरू होता है एपिसोड 6 जहाँ पर सभी हैंडमेड्स को टाउन की एक वॉल को साफ करने को कहा जाता है जहाँ पर सजा मिले लोगों को लटकाया जाता था और अभी भी ये सब साफ सफाई इसीलिए हो रही थी क्योंकि दूसरे देश में जाने माने पॉलिटिशियन उनके देश में आ रहे थे। उनके देश की ये सारी खबरें बाहर आ गई थी और वे लोग अपने देश की ही असली सच्चाई बाहर के लोगों से छुपाना चाहते थे। अब घर आने के बाद में सेरेना जून को एक नई ड्रेस देती है और वैसी नई ड्रेस का कोई फर्क नहीं था पुरानी ड्रेस से, दोनों ड्रेसें एक जैसी थी। सेरेना जून को समझा देती है कि किस तरह दूसरे देश के पॉलिटिशियन से बात करनी है और उनको जरा भी पता नहीं चलना चाहिए कि इस देश की असली सच्चाई क्या है। अब आजकल सेरेना और फ्रेड के रिश्ते में पहले जैसा प्यार नहीं रहा था और उनके लिए एक बेबी इतना इम्पोर्टेंट हो चुका था कि वे लोग अपने प्यार और उनके रिश्ते की केमिस्ट्री को भी भूल चुके थे। फिर रात को दूसरे देश से आए पॉलिटिशियन के साथ में पार्टी शुरू होती है और जून और निक की आंखों में यहाँ पर हम एक दूसरे के लिए प्यार देख पाते हैं। फ्रेड जून को पॉलिटिशियन से मिलवाता है और सभी जून से अलग अलग सवाल पूछते हैं कि उसने हैंडमेड बनने का डिसीजन क्यों लिया। जून कुछ कहती उससे पहले ही फ्रेड उनको अपने हिसाब से जवाब देता था और वहीं पर एक पॉलिटिशियन सारा जून से पूछती है कि क्या वो ऐसी लाइफ से खुश है। यहीं पर एक मौका था जून के लिए सच्चाई बोलने का और एक सच उसे इस नरक से निकाल सकता था लेकिन वो हिम्मत नहीं जुटा पाती है और ऐसा कहती है कि वो खुश है और ये लाइफ उसने खुद ने चुनी है। अब फिर सारे पॉलिटिशियन उन लोगों से बात करने लगते हैं और सारा यहाँ पर सेरेना को पूछ देती है कि उसको कैसा लगता है अपने पति को ऐसा बताना। सेरेना और बाकी अमीर औरतें इस तरह दिखाती है कि उनको ऐसी चीजों से कोई प्रॉब्लम नहीं है और उनका मेन मकसद यही है कि उनके बाद देश को आगे बढ़ाने के लिए दूसरी जनरेशन हो और इसी काम के लिए हैंडमेड्स को रखा गया है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वॉर से पहले सेरेना भी अपने हक के लिए अपनी आवाज को उठाती थी लेकिन अब देश के बदलते हालात की वजह से वो और बाकी औरतें घर पर बंद कठपुतली बन चुके हैं और उनको पहले की तरह जॉब करने की भी आज़ादी नहीं थी। वो वहाँ पर कोई भी बुक नहीं पढ़ सकते थे और मर्द को बिना पूछे कुछ भी नहीं कर सकते थे लेकिन फिर भी वे लोग ऐसा दिखा रहे थे कि उन लोगों ने ये लाइफ खुद चुनी है और ये सब गॉड की मर्जी है। अभी मीटिंग उन लोगों के लिए बहुत जरूरी थी क्योंकि उनके देश की करेंसी नीचे गिर रही थी और सिर्फ दूसरे देश से ही उनको मदद मिल सकती थी। अब हमें पास्ट का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर फ्रेड और सेरेना बाहर घूमने के लिए आए थे। वे लोग अपने फ्यूचर बेबी के लिए सेरोगेसी या फर्टिलाइजेशन के किसी प्रोसेस को ट्राई करना चाहते थे और तभी फ्रेड को फोन की न्यूज से ये पता चलता है कि वॉर और केमिकल अटैक से देश की हालत बहुत बिगड़ चुकी है और 3 हफ्तों के बाद में सरकार कुछ डिसीजन लेने वाली थी।
सेरेना को बुक्स और न्यूज में अपनी आवाज उठानी थी, तो वो सरकार से बात करने का डिसाइड करती है। और फ्रेड भी बड़ी पोस्ट में था, तो वो सेरेना की सरकार के साथ एक मीटिंग अरेंज करवा देता है। फ्रेड के ट्राई करने पर भी सेरेना से उस टाइम कोई भी मिलना नहीं चाहता था, जिस बात का सेरेना को काफी बुरा लगता है। और प्रेजेंट टाइम में निक और सेरेना की नजदीकियां बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। वो दोनों छुप छुप कर मिलकर एक दूसरे को प्यार करते थे। फ्रेड के साथ में स्टडी रूम में होते टाइम भी जून निक के साथ अपने टाइम को याद करती थी, और उसको किसी बात पर खोया हुआ देखकर फ्रेड उसको ताना मारकर कहता है कि वो किस्मत वाली है कि उसे स्टडी रूम में आने का मौका मिलता है। फिर वो जून को वहां से जाने का कहता है, लेकिन फिर भी जून कुछ सोचकर वहां पर रहने का डिसाइड करती है। और तब फ्रेड उसको पास बुलाकर उसको गलत तरीके से टच करता है और उसे किस करने को कहता है। तब जून उसे किस करती है, जिससे कि फ्रेड जून से खुश था। लेकिन रूम में वापस आकर जून अपना मुंह इस तरीके से साफ करने लगती है जैसे कि उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था जिस तरीके से उसने फ्रेड को किस किया था, और बस किसी मजबूरी में ये सब कर रही थी। अब अगले दिन दूसरे देश के पॉलिटिशियन के लिए बड़ी डिनर पार्टी ऑर्गेनाइज की गई थी, और उस पार्टी में हैंडमेड्स को भी बुलाया गया था ताकि वे लोग ये दिखा सके कि हैंडमेड्स को वे लोग अपनी तरह ही सम्मान के साथ में रखते हैं। सेरेना आकर सभी हैंडमेड्स को चेक करती है, और एरिका उसे ऑर्डर देती है जिन हैंडमेड की बॉडी पर चोट के निशान है उनको पार्टी में नहीं भेजें, नहीं तो बाहर के देश के लोगों को पता चल जाएगा कि वे लोग हैंडमेड्स को कितना ब्रूटली टॉर्चर करते हैं। अब टॉर्चर के कारण हेना की भी एक आंख नहीं थी, तो उसे पार्टी में नहीं जाने दिया जाता है। लेकिन हेना को पार्टी में जाने का बहुत मन था क्योंकि उन लोगों ने सालों से ऐसी पार्टी नहीं देखी थी। और तब एरिका उसे प्रॉमिस करती है कि पार्टी के बाद में वो उसके लिए पार्टी का खाना भिजवाएगी, और ये सुनकर हेना को थोड़ा अच्छा लगता है। अब हैंडमेड्स फिर पार्टी में जाकर डिनर टेबल पर बड़े ही सिस्टमेटिक तरीके से बैठ जाती है, और सेरेना वहां पर आकर भाषण देती है और हैंडमेड्स की तारीफ करती है, और हैंडमेड्स की वजह से पैदा हुए उनके फ्यूचर जनरेशन को बाहर देश के पॉलिटिशियन को दिखाते हैं। अब बाहर के पॉलिटिशियन उन छोटे बच्चों को देखकर काफी खुश थे, लेकिन जो हैंडमेड्स थी उनका दुख सिर्फ वही समझ सकती थी कि किस तरह वो अपना बच्चा उन बच्चों को अपना नहीं बना सकती थी और ना ही उनको गले से लगा सकती थी। और वहीं पर जून को पता चलता है कि पॉलिटिशियन ऐसे ही उनके देश में नहीं आए थे, वे लोग उनको अपने देश ले जाकर उनके लिए हैंडमेड्स का काम करवाने वाले थे। सीन कट होता है और कहानी पास्ट की तरफ आ जाती है, जहाँ पर देश की औरतों के लिए रूल्स बना दिए गए थे, और अथॉरिटीज और अमीर लोगों की पत्नियां ग्रीन के अलावा कुछ और कलर नहीं पहन सकती थी, वो बुक्स भी नहीं पढ़ सकती थी, और सभी औरतें अपने पुराने कपड़ों और बुक्स को घर के बाहर डस्टबिन में फेंक देती हैं। अब उसी रात सेरेना को अपनी नई जिंदगी के लिए कंफर्ट करने के लिए फ्रेड उसके साथ में इंटीमेट होता है, और अगेन सीन प्रेजेंट टाइम में आता है। यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में जून निक के रूम में विदेशी पॉलिटिशियन किस कारण उनके देश में आए हैं ये बताने जाती है, और जून बहुत ज्यादा पैनिक कर रही थी। उसको नहीं पता था कि दूसरे देश में उसकी हालत क्या होने वाली थी। ऊपर से निक और जून की बात अगर किसी को पता लग जाती तो उन लोगों को मार दिया जाएगा, और किसी तरह निक जून को शांत करता है। अब अगले दिन अपने देश में जाने से पहले सारा जून से मिलने आती है और उसे चॉकलेट गिफ्ट करती है, और उसको अकेले देखकर जून सारों को बता देती है कि हैंडमेड्स यहाँ पर खुश नहीं है। वो ये भी कहती है कि हर महीने उनका कई बार रेप होता है और बच्चा पैदा करने के लिए उनको मजबूर किया जाता है, और अगर वे लोग उनकी बात ना सुने तो उनको टॉर्चर भी किया जाता है, उनकी आंखें निकाल ली जाती है, उनका चेहरा भी खराब कर दिया जाता है, और यही नहीं उनके साथ में बहुत कुछ होता है। ये सारी बातें सारों को पता नहीं थी, और वो जून से माफी मांगती है, और वो चाहकर भी उसकी कोई मदद नहीं कर सकती थी क्योंकि उनका देश चिपिका खुद बहुत बड़ी मुसीबत में था। 6 सालों से उनके देश में एक भी जिंदा बेबी पैदा नहीं हुआ था, और अपने देश को बचाने के लिए उनको हैंडमेड्स की जरूरत थी। तभी वहां पर फ्रेड आता है तो सारा उससे बात करने चली जाती है, और तब जून को अकेला पाकर अथॉरिटी का एक आदमी टीम जून को मदद करने की बात करता है, और साथ ही वो उसे उसके पति जॉन के बारे में बताता है जो कि अभी तक जिंदा है। जून उसका विश्वास नहीं करती है, लेकिन टीम को उसका असली नाम पता था, और वो जून को अपने पति के लिए एक मैसेज लिखने को भी कहता है ताकि वो जून की मदद कर पाए। और यहीं पर इस सीरीज का एपिसोड 6 खत्म होता है। दोस्तों, इन दोनों एपिसोड में हमने देखा कि एक बेबी की तलाश और समाज के सामने शर्मिंदा न होने के लिए हैंडमेड्स को किसी के साथ में भी इंटीमेट होने के लिए मजबूर किया जाता था, जैसे कि निक और जून को इंटीमेट किया गया था। फ्रेड भी अपनी हवस मिटाने के लिए जून को कभी कभी अच्छा महसूस कराता था,
लेकिन असल में वो भी हैंडमेड की कोई भी इज्जत नहीं करता था और साथ ही उनके देश की इकोनॉमी बहुत बिगड़ गई थी और इसीलिए वे हैंडमेड्स के बदले वे लोग विदेश के लोगों से अपनी इकोनॉमी ठीक करवाना चाहते थे। विदेश में भी उनकी तरह बेबी की प्रॉब्लम चल रही थी और कहीं कहीं पर तो 6 सालों तक कोई भी जिंदा बेबी पैदा नहीं हुआ था। लेकिन इन सब की वजह से जून और उसके जैसे हैंडमेड्स को ये सब सहना पड़ रहा था जिनकी तकलीफ कोई भी नहीं समझता था। तो इसी के साथ में इस सीरीज का एपिसोड 5 और एपिसोड 6 खत्म होता है। दोस्तों आपको इस सीरीज के एक्सप्लेनेशन कैसे लग रहे हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताना और अगर आप इसके बाकी के एपिसोड भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि मैं इसके बाकी के पार्ट्स जल्दी अपलोड करने वाला हूँ। तो अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में।